डिड यू नोटिस सिनेमान लगभग 7 महीने बाद किसी नॉन रिसेंट फिल्म के बारे में बात करने वाला है? वो अलग बात है, जब तक सिनेमान रिसेंट फिल्मों के बारे में बात करता है तब तक वो टीवी पे भी आ चुकी होती हैं। अरे रिसेंट नॉन रिसेंट छोड़ो, सिनेमान लॉन्ग वीडियो बना ले वही बड़ी बात है। नहीं नहीं नहीं, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्रव्यूह में नहीं फंसना भाई। एक बार मौत के मुंह से निकल के आ गए, बहुत मुश्किल है। पॉजिटिव पॉजिटिव, ओके सो ऑन अ पॉजिटिव नोट, अब माइक नहीं सहना पड़ेगा। कमेंट्स में बताना क्वालिटी कैसी है। वैसे कुछ महीने पहले इंस्टा डीएम में ही बता सकते थे अगर फॉलो किया होता। आई मीन जनरली भी अगर तुम लोगों को रिसेंट में आई फिल्म न्यूज़ पे मेरा ओपिनियन जानना है तो मेरा इंस्टा और ट्विटर, सॉरी इंस्टा और एक्स जरूर फॉलो मारो, क्योंकि वहाँ कंसिस्टेंसी फुल है। सो चलो पॉइंट पे आते हैं। आज के वीडियो में हम बेसिकली प्रियदर्शन की 13 कॉमेडी फिल्में उठाएंगे और उनके थ्रू ये समझेंगे कि आखिर प्रियदर्शन किन टेक्निक्स के जरिए आज इंडियन कॉमेडी स्पेस के इतने बड़े आइकॉन बन के बैठे हैं। कुछ टाइम के लिए डायरेक्टर्स प्लेलिस्ट नहीं बना सकता ना, इसीलिए ऐसे सेपरेट वीडियो से मन भरना पड़ रहा है। देखो ये बात तो क्लियर है कि जनरली जिस कॉमेडी पे हम लोग फिल्में देखते वक्त हंसते हैं वो केओस से जन्मी होती हैं, चाहे वो एक स्पीच ब्लंडर हो, इंटरस्टेट डम्स रेड्स या फिर बेस्टियालिटी। बट प्रियदर्शन साहब का जो फिल्म मेकिंग अप्रोच है उसमें ये खास बात है कि वो इस केओस को फिल्म की कॉमेडी का एक सेंट्रल पार्ट बना देता है, उसे और उभार के सामने लाता है। तो चलो जरा उनके सीन्स देख के ये समझते हैं कि कैसे उनका फिल्म मेकिंग विजन जाने अनजाने में ऐसा कर देता है। आई गेस तुम लोग ने ये नोटिस किया होगा, भाई मेरी ऑडियंस से तो करना ही चाहिए, कि प्रियदर्शन के कैरेक्टर्स बड़े फ्रस्ट्रेटेड टाइप लगते हैं। आई मीन प्रियदर्शन के सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर बाबूराव आप्टे को ही ले लो, इसके ज्यादातर फनी मोमेंट्स फ्रस्ट्रेटेड होते हुए या किसी को गरियाते समय ही निकलते हैं। तुम दोनों के दोनों बाहर जाओ, पेपर लेके जाओ। अरे कौन सा पेपर? कूतरिया साला, साला किसको बोलता है रे तू? सेम गोज विद राजपाल यादव के कैरेक्टर्स, मतलब हर प्रियदर्शन फिल्म के साथ एक इरिटेटेड राजपाल यादव तो फ्री ही होता है। पैसा दो, पैसा दो, मैं पागल हूँ। चाहे भागम भाग हो, ढोल हो, गरम मसाला, दे दनादन, खट्टा मीठा, हर जगह हमारा प्रोटैगनिस्ट इंसानी शक्ल में दरिंदा होता है। अलग अलग किस्म के लालच के लिए मक्कारी करने वाला कैरेक्टर, भागम भाग में हीरो के रोल के लिए, गरम मसाला और ढोल में लड़कियों के लिए, दे दनादन में पैसों के लिए और खट्टा मीठा में एक अच्छे टेंडर के लिए। साला हमारी जनरेशन का कमीनापन तो इसी बात से साबित होता है कि मीम्स के थ्रू ऑफ ऑल हिंदी फिल्म कैरेक्टर्स हम सिर्फ इन्हीं मक्कारों से रिलेट करते हैं। जिन फिल्मों में फ्रस्ट्रेशन का रीजन लालच या मकारी नहीं होता उधर कैरेक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और दुविधाओं की वजह से ऐसा नजर आता है, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ बिल्लू एंड मेरे बाप पहले आप। बोल दो सबको साफ साफ कि यहाँ कोई साइकन वाइकन नहीं आने वाला है। अरे तो जहर खिला दो कमीनी, सिग्नल पे छोड़ दो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मतलब प्रियदर्शन की फिल्मों में किसी ना किसी रीजन के चलते हमारे कैरेक्टर्स में आसपास की चीजों को लेके एक बॉर्डरलाइन फ्रस्ट्रेशन रहती ही है। भाई हंगामे के राधेश्याम तिवारी का ऐसी थोड़ी जन्म हुआ था। एंड मे बी सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही नहीं बल्कि इन कैरेक्टर्स की ओवरऑल एक रेस्टलेस वाइब होती है, मतलब ये कुछ भी करें इनकी बॉडी लैंग्वेज रेयरली एक रिलैक्स मोड में रहती है, विच ऑटोमेटिकली एड्स टू द कियोटिक फील। आई थिंक बाबूराव का जन्म प्रियदर्शन की इसी डायरेक्टिंग क्वालिटी की वजह से ही हुआ होगा, क्योंकि अगर ओरिजिनल मूवी से कंपेयर करो तो कैरेक्टर के अप्रोच में डिफरेंस साफ नजर आता है। आई मीन पहली लाइन ही देखो ना, रामजी राव स्पीकिंग में इनोसेंट का टेक पहली लाइन में थोड़ा जेंटल रहता है। हेलो, मानरमताई स्पीकिंग, वही दूसरी तरफ परेश रावल हेरा फेरी में शुरुआत से ही बरस पड़ते हैं। हेलो, मैं चंदू सोलंकी बोलता हूँ, देवी प्रसाद जी घर में है? अरे कौन देवी प्रसाद, ये देवी प्रसाद का घर नहीं है क्या? और ये भी देखो कि कैसे रामजी राव में एक मीडियम क्लोजअप यूज हुआ है, वहीं बाबू राव के केस में उसका गुस्सा और निखारने के लिए क्लोजअप यूज किया गया है। सेम गोज विद चुप चुप के जो पंजाबी हाउस का रीमेक थी। हाँ चिंता मत करो, हम सबका बचपन एक ही साथ बर्बाद हुआ है। ओरिजिनल फिल्म में गुंडिया का कैरेक्टर इरिटेटेड से ज्यादा नर्वस और डरा हुआ होता है। पंजाबी लोड तो सिमिलरली बांड्या भी उतना हाइपर एक्टिव नहीं होता। मतलब मेरा पॉइंट समझ गए ना तुम लोग, इन ओरिजिनल फिल्मों में डिफरेंस होने का मतलब यही है कि कहानी कैसी भी हो ये जो क्योटिक मसाला है ना ये हमारे प्रियदर्शन साहब की ही देन है।
चलो जरा ये देखते हैं कि कैसे प्रियदर्शन किसी सीन में सटल कियोटिक वाइब इंड्यूस करते हैं। तो गोलमाल और ढोल के इन बहुत ही नॉर्मल से सीन्स पे नजर डालो ना। ये दोनों अपनी फिल्मों के सबसे फनी सीन्स तो नहीं है, बट एटलीस्ट प्रियदर्शन का डायरेक्टिंग अप्रोच जरूर क्लियर कर देंगे। मतलब दोनों सीन्स में सिचुएशन सेम ही है। चार दोस्तों का गैंग एक प्रॉब्लम में ऑलरेडी फंसा हुआ है, ढोल में दुकान के पैसों की प्रॉब्लम और गोलमाल में समीर बन के रहने की प्रॉब्लम। गैंग में से एक दोस्त उस प्रॉब्लम से जुड़े एक इंसिडेंट से ट्रिगर होने के बाद पैनिक मोड में आके रैंट करने लगता है। ढोल में मारू मामा तुम सबकी तंगड़ी कबाब बनाने वाला है, जब तक तुम उसका पैसा वापस नहीं कर देते तब तक मैं घर वापस नहीं जा सकता। और गोलमाल में लक्ष्मण, एक तो मुझे यहाँ फंसा दिया, ऊपर से खाना भी नहीं खाने देते, आज तो मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान दे कर ही रहूंगा। और बाकी लोग उस रैंट पर रिएक्ट करते हैं। अबे नहीं करते मतलब क्या बे? जैसे हम पैसों के अंडे पे बैठ के उसे उबारे, बात करता है कमीना। तू मर गया तो निरूपा रॉय का क्या होगा? निरूपा रॉय? अबे तेरी माँ को मैं निरूपा रॉय बोलूंगा ना, ऐश्वर्या राय तो नहीं बोलूंगा। अब डायरेक्टिंग अप्रोच में डिफरेंस तुम्हें यही देख के क्लियर हो जाएगा कि सीन का ह्यूमर आ कहां से रहा है। गोलमाल के केस में बाकियों के लक्ष्मण की खिल्ली उड़ाने से, ये शोले वाली सुसाइड नहीं है, सचमुच मरने वाला है। अंधेरा हो जाए तो साइड में जाके सुसु नहीं कर सकता, सुसाइड क्या करेगा। तू मर गया तो तेरी घड़ी मुझे दे देना। अबे और ढोल के केस में मारू के रैंट से, मेरे नीचे क्या आग लगी हुई है पता है? वो राक्षस दवा खाने ले गया था मुझे। अबे तो वो तो अच्छी बात है ना। ये तो अच्छी बात है ना। अबे काटना मत, मेरी किडनी बेचने निकला था वो। अब देखना साला, तुम्हारे आँख कान नाक नाखून सब कुछ उखाड़ के अपनी खाली दुकान फुटकर के भावना बेचे तो तुम लोग देखना, तुम लोग देखना। गोलमाल में हम बाकी कैरेक्टर्स के साथ लक्ष्मण पे हंस रहे हैं कि क्या डरपोक आदमी है, वहीं ढोल में मारू के रिएक्शन पे, उसकी फ्रस्ट्रेशन और उसके दुखड़े पे। एंड दैट्स व्हाट प्रियदर्शन्स कॉमेडी इज ऑल अबाउट। फिल्म के प्लॉट को लेके जैसा रिलैक्स माहौल तुम्हें गोलमाल के कैरेक्टर्स में दिख रहा है, वैसा प्रियदर्शन के कैरेक्टर्स में रेयरली मिलेगा। और इसी रिलैक्सेशन की कमी की वजह से ही उनके सीन्स की कॉमेडी एक टेंस माहौल से निकलती है। और टेंस से मेरा मतलब ऑफकोर्स स्ट्रेस वाला टेंशन नहीं है, बल्कि एक रेस्टलेसनेस वाला टेंशन, जो इन फिल्मों का वो एलिमेंट बढ़ाता है जो कॉमेडी की नींव होता है, दैट इज एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। एंड ऐसा होता कैसे? बिकॉज ऑफ सेवरल थिंग्स जो प्रियदर्शन की फिल्मों में यूनिक होती है। जैसे अगर गौर करो तो उनकी पिक्चरों में कैरिकेचर्स नहीं होते। कैरिकेचर्स बेसिकली मतलब वो कैरेक्टर्स जिनके सर्टेन ट्रेट्स कॉमेडिक इफेक्ट के लिए बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिए जाते हैं। जैसे रोहित शेट्टी की फिल्मों में ऐसे कैरिकेचर्स भर भर के मिलेंगे, चाहे वो पप्पी भाई हो, संजय मिश्रा या फिर गोलमाल की आधी कास्ट ही यार, या फिर हाउसफुल सीरीज में आखिरी पास्ता, मैं तेरा हीरो में बल्ली। मतलब समझ ही गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये कैरिकेचर्स एक सेट पैटर्न पे चलते हैं, बट ये जो सेट पैटर्न है ये कहीं ना कहीं उस सरप्राइज एलिमेंट को कम करता है जिसकी वजह से प्रियदर्शन के कैरेक्टर्स नेचुरल लगते हैं। मतलब किसी भी सीन में इन कैरिकेचर्स को डाल दो, हमें ऑलरेडी मालूम है इनकी तरफ से किस जोन में पंच आने वाला है। पप्पी है तो भूल जाएगा, बल्ली है तो शायरी करेगा, बबली है तो गलत स्पेलिंग, और पास्ता है तो यानी इनके पंचेस एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश जोन में होने की वजह से उतने सरप्राइजिंगली हिट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फनी नहीं लगेंगे, इट्स जस्ट दैट कि यहाँ सरप्राइज एलिमेंट का पोटेंशियल प्रियदर्शन टाइप कैरेक्टर्स से कंपैरेटिवली कम होगा, क्योंकि क्या है ना, उनके कैरेक्टर्स ज्यादा ग्राउंडेड होते हैं, थोड़े एग्जैजरेटेड होते हैं बट रियलिस्टिकली। आई मीन तुम ही बताओ कौन से टाइप की कॉन्वर्सेशन तुम लोग रियल लाइफ लोगों को करते हुए इमेजिन कर पाओगे, गोलमाल हाउसफुल टाइप या फिर प्रियदर्शन की फिल्मों टाइप। इनफैक्ट यही चीज तो वो बहुत खूब करते हैं, एग्जैजरेटेड कैरिकेचरल ट्रेट्स देने के बजाय प्रियदर्शन अपने कैरेक्टर्स को एक रियल लाइफ लिंगो देते हैं और फिर एक्टर की परफॉर्मेंस को अपने डायरेक्टिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग मोल्ड करके उस नॉर्मल लिंगो को भी फनी बना देते हैं। यही कैरिकेचर और रियलिस्टिकली एग्जैजरेटेड कैरेक्टर्स में अंतर समझने के लिए ऑल द बेस्ट और भागम भाग को ले लो। दोनों जगह स्क्रिप्ट में एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो हमारे मेन कैरेक्टर्स की प्रोफेशनली हेल्प करे, मतलब इन शॉर्ट एक भाई टाइप कैरेक्टर जिससे धीरे धीरे दुश्मनी होने के बाद वो आगे चल के उन्हीं के पीछे पड़ जाए। एंड ऑफकोर्स क्योंकि जॉनर कॉमेडी है इसलिए दोनों कैरेक्टर्स कॉमिकल होने चाहिए। अब यहाँ दोनों जगह देखो अलग अलग दिमाग का उपयोग। एक तरफ टोबो जैसा कैरिकेचर पैदा होता है जिसके सारे पंचेस वो ग्लास और चम्मच से बात करने वाले ट्रेट के राउंड होते हैं, दैट इज एक सेट जोन में। वहीं दूसरी तरफ गुरुजी का जन्म होता है जिसकी कॉमेडी सिर्फ एक यूजुअल नशे वाले लिंगों के थ्रू पियक्कर ट्रेट को थोड़ा एग्जैजरेट करके निकलती है। मतलब यूजली पीपा के कोई इंसान थोड़ा बहुत ही कंफ्यूज होगा, बट यहाँ गुरुजी को हर छोटी छोटी बात पे कंफ्यूज होते हुए दिखाया है। वो तो मैं भूल ही गया था, मैं भूल गया था। इतनी जल्दी पहुंच गए? प्रियदर्शन साहब के हिंदी ना आने के बावजूद उनकी फिल्मों की हिंदी कॉन्वर्सेशंस बहुत से हिंदी जानने वाले डायरेक्टर्स की फिल्मों से काफी ज्यादा नेचुरल लगती है। आई मीन देव दनादन की मेकिंग देखोगे तो पता चलेगा कि वो अपने एक्टर्स को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लाइनें समझाते हैं। I know
वो आपकी सारा सब झूठ बोल रहे हैं। अरे लिंगो पकड़ना छोड़ो, हाउसफुल वालों को तो शूटिंग के समय इतना भी ज्ञान नहीं था कि बेटी के बच्चे को नाती कहते हैं। लिप मोमेंट से ही पता चल रहा है कि शूटिंग के समय सब पोता पोता कह रहे थे। ए आया, मेरी नाती को जल्दी लेके आओ। आया? क्या वो तेरे बाप का नाती है क्या? मेरा नाती दो। आया? नाती दो। इसके अलावा वन ऑफ द कॉन्स्टेंट थिंग्स जो प्रियदर्शन अपनी परफॉर्मेंसेज में घुसेड़ते हैं वो है कैरेक्टर का सार्कास्टिकली मुंह बना के बात करना, जो तुम लोग एग्जांपल से ही समझ जाओगे। पुलिस पे चलते हैं, इनाम मिलेगा और उससे भी यूं करके तुझे दीवाना बना दिया है। ये तो अच्छी बात है ना। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और तूने कहा था मैं तुझे लाश लाके दे दूंगा। मालूम नहीं तेरे को मालूम नहीं। पैसे ने गाड़ी भर के जो सोने लेके रही थी वो सुध समेत वापस चाहिए ना। हमें ये तो मार छिन 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 मार 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 के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा। मतलब उसे मैं ना अब आया ना लाइन पे। ऐसा मैंने क्या पूछा जो इतना हंस रहे तुम लोग? दांत निकाले। दरवाजा उधर है। और नाम मिस प्रोनाउंस करना भी उनके डायलॉग्स में काफी प्रेविलेंट है। बांडिया? क्या डांडिया? बांडिया बांडिया। अच्छा डांडिया। हिम्मत है बंदा तो मदद है खुदा। मर्दा? हाँ वही बंदा। देख मक्खी लक्की। अरे तो कोई भी चक्की हो। राम श्याम। अरे तो कोई भी आम हो। क्या नाम है उसका? राधा। आधा? आधा नहीं, राधा। राधा राधा राधा। दुमचंद जी बुला रहे हैं। कितनी बार तेरे को बोला दामचंद दामचंद? और तीसरी तरफ से ये मुगम्बो। अबे मुगम्बो नहीं बे सिकोमो। हाँ भाई भाई मुगम्बो। एट द सेम टाइम उनके कई कॉमेडी सीन्स की कॉन्वर्सेशन बड़ी फास्ट पेस नहीं रखती, लाइक जिस स्पीड से यहाँ रैपिडली डायलॉग्स बोले जाते हैं वो भी एक टोकन प्रियदर्शन स्टाइल है मेरे हिसाब से। आई मीन तोते की तरह बोले जाने वाले मोनोलॉग्स तो एक तरफ है ही। नाम सचिन टिचकुले। पता मधुर जी मनोर राजवाड़ा राम मंदिर पवार गली नंबर 4। तुम सीधा बोलने की देरी है। इतने में उसने उठाया हमारा बैग ले लिया और अपना बैग थमा दिया और जाकर साले फूट गए। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि फिर एक बार जोड़ने घटाने को नाकार करने और भागाकार करने में गलत क्या है। बट इसके अलावा भी कई कॉन्वर्सेशन के डायलॉग्स कंपैरेटिवली बड़े फास्ट पेस्ड और रैपिड साउंड करते हैं, लाइक लेट्स से एक कैरेक्टर के दूसरे कैरेक्टर को किसी सोल्यूशन को अपनाने के लिए कन्विंस करने की कॉन्वर्सेशन। हाँ अभी मैं ऑफिस जाऊंगा तो भी लोन हाथ से जाएगा और नहीं गया तो भी लोन हाथ से गया। हाँ तो इसको पैसे वैसे की प्रॉब्लम होगी तभी तो आत्महत्या करने जा रही है बेचारी। अरे मुझे तो ऑफिस का आ भी नहीं आता। अरे कुछ नहीं यार, ओके थैंक यू बाय बाय गेट मी कॉफी इतना तो आता है ना, बोलते रहे बस। और तू इसको हीरोइन ले लेगा तो इसकी पैसे की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और तेरी हीरोइन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आई विल सी इट ऐसे करके पेपर्स घर ले आना, मैं साइन करके तुझे वापस दे दूंगा, बस खत्म हो गई बात यार, कुछ करना नहीं है इसमें। ये भी खुश तू भी खुश अपन तो वैसे खुश। और रितु का फोन आ गया तो? अरे रितु का फोन आया तो बोल देना मुझे मोबाइल बंद करके। और क्या ये सोच भाई 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 डिसीजन ले। चल निकल, मैं शर्ट निकालता हूं। चल 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 जल्दी, बात मत कर। अब जरा इसे हाउसफुल के इस सीन से कंपेयर करो जहाँ सिमिलर मैनर में ही एक सलूशन के लिए बाकियों को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। परफेक्ट। हम लोग एस्टेट एजेंसी को फोन करके लंदन का सबसे शानदार हाउस हायर पे ले लेंगे। पहले सैंडी के अन्ना आएंगे, सोचेंगे कि आरुष का घर है। 17 तारीख को पापा आएंगे, सोचेंगे कि तुम्हारा घर है। पापा खुश, अन्ना खुश, हम खुश। Obviously, तुमको यहाँ स्पीड में वो डिफरेंस नजर आया होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन भाई ये दोनों तो ऐसे एग्जांपल्स थे जहाँ कैरेक्टर्स को जल्दबाजी में ही डिसीजन लेना था। तो कोई नहीं, देर दनादन का एग्जांपल ले लो। यहाँ तो हाउसफुल की तरह ही कोई इमीडिएट फैक्टर नहीं इन्वॉल्वड है। फिर उसी को किडनैप करते ना यार, 50,000 तो देगी भूतनी। अरे 50,000 क्या, वो तो 5 करोड़ दे देगी, इतना प्यार करती है उसको। तो फिर वैसे ही करते ना यार, और फिर पकड़े भी गए तो कुत्ता किडनैपिंग कोई बड़ा क्राइम तो नहीं है ना यार। इसे इवन ऑल द बेस्ट केस मोमेंट से भी कंपेयर कर सकते हो। तो मैरी को विद्या बना के लेके जा। प्रेम ये घर की चीज का नहीं आया यार। तो क्या हुआ यार, तूने वो गाना नहीं सुना? बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। स्पीड में अंतर है कि नहीं? यही डिफरेंस तुम्हें यूजुअल कॉमेडी फिल्मों की कॉन्वर्सेशन और प्रियदर्शन की कॉमेडी फिल्मों की कॉन्वर्सेशन में क्लियरली देखने को मिलेगा। बट क्या सिर्फ स्पीड की वजह से इन कॉन्वर्सेशंस में एक चार्म आता है? आई मीन फास्ट पेस डायलॉग्स तो गोविंदा की फिल्मों में भी होते हैं। ए तुम क्या मुंह पे मूछ रख के झूठ बोल रहे? लाइए हमारा बुजुर्ग ऐसा ऐसा बात नहीं करने का। नहीं तो क्या करेगा तू? तुझे कहे लोग बेवकूफ, गधे, उल्लू के पट्टे, अकल के कच्चे और डफर के बच्चे लगते हैं। इवन लवरंजन की फिल्मों के केस में भी यही चीज देखने को मिलेगी।
तो पंजाबी कैसे नहीं आती इसको? हनी सिंह पूरा समझ में आता है, मलकीत सिंह पर नाक चढ़ाती है। सब ढोंग है टीटू, सब दिखा हुआ है, बता रहा हूँ मैं, झूठी है झूठी। प्रेशर मत डालो, फोर्स मत करो। उसका मन होगा, उसके मन में होगा, दिल में होगा, बोलेगी जब बोलना होगा, जब लगेगा उसे बोलना चाहिए तब बोलेगी। ऐसे फोर्स करने से बोल भी दिया तो क्या फायदा? कसम से, तो झूठी मैं मकार में ये सीन थोड़ा और चलता ना तो श्रद्धा से पहले मैं ही चिल्ला देता, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप चुप। यार ये लव रंजन को कोई समझाओ, सिर्फ डायलॉग डिलीवरी फास्ट करने से सीन फनी नहीं बन जाता और हर कोई गोविंदा भी नहीं होता। अच्छा छोड़ो, तुम लोग राजी नहीं हो तो मैं अकेला ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। लगता है लव साहब ने भी यही सोचा होगा कि सिर्फ फास्ट पेसिंग कर दो और प्रियदर्शन जैसा चाम आ जाएगा, बट एक्चुअल में ये फास्ट पेस डायलॉग डिलीवरी सिर्फ एक फैक्टर है जो प्रियदर्शन के कॉन्वर्सेशन सीन्स को चार्मिंग बनाता है। याद है वो गोलमाल और ढोल का कंपैरिजन, उसमें जो मैंने रेस्टलेसनेस, टेंशन, केओस वाली बात कही थी? यस, दैट्स द मेन रीजन जिसकी वजह से ये सीन स्टैंड आउट करते हैं। और फास्ट पेस डिलीवरी के अलावा और भी कई सटल तरीके हैं जिनसे प्रियदर्शन इस कॉमिकल केओस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उनमें से पहले मैं उस सटल तरीके के बारे में बात करना चाहूंगा जो बहुत ही बेमतलब साउंड कर सकता है, दैट इज एक्टर्स के लुक्स। नहीं नहीं, मैं फेशियल फीचर्स की बात नहीं कर रहा, लुक से एक्चुअली मेरा मतलब है एक्टर्स कैसे दिख रहे हैं। लाइक बहुत सी कॉमेडीज में तुम लोगों को सब कुछ बड़ा ग्लॉसी और पॉलिश सा नहीं लगता? मतलब सारे कैरेक्टर्स अपने परफेक्ट ग्लो अप एरा में दिखाए जाते हैं। भाई तुम ही बताओ, दुनिया का कौन प्राणी बिना नहाए नाश्ता करते टाइम ऐसा लगता होगा? हाँ मैं समझ रहा हूँ एक्टर्स का अच्छा दिखना हम सबके फायदे में ही है, बट कभी कभी ये ग्लो अप ट्रीटमेंट थोड़ा जबरदस्ती का नहीं लगता? स्पेशली सीक्वल्स में तो ये एक नॉर्म सा बन गया है, चाहे भूल भुलैया हो, वेलकम हो या गोलमाल, हर जगह कैरेक्टर्स के लुक्स में जो एक रॉनेस थी उसको फर्जी का ब्यूटीफाई करके खत्म ही कर दिया गया। और ये मत समझना कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होता है, आई मीन लिटरली डिपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं सेट पे जिनको सिर्फ इसी पे ध्यान देने के पैसे मिलते हैं, तो ऑब्वियसली इसकी इम्पोर्टेंस तो है। एंड इसी इम्पोर्टेंस को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एक्टर्स का लुक भी फिल्म के माहौल को बनाने में हेल्प करता है। भाई याद रखना कि किसी भी सीन में जो इमोशन तुम्हें अल्टीमेटली फील होता है उसमें सिर्फ राइटिंग या परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहता, म्यूजिक से लेके कॉस्ट्यूम तक हर डिपार्टमेंट अपने छोटे छोटे इनपुट सीन में डालता है जो अलग से तो हम नहीं नोटिस करने जाते, लेकिन हमारे दिमाग के उसे सबकॉन्शियसली कैच कर लेने से ही हमें फाइनल इमोशन फील होता है। सो सिमिलरली एक कॉमेडी फिल्म में भी ये छोटी छोटी चीजें कॉन्ट्रीब्यूट करती ही हैं। एंड ये शायद एक पर्सनल टेस्ट हो सकता है, बट द रीजन मुझे ये ग्लो अप पॉलिशिंग वगैरह कॉमेडीज में स्पेशली देखना नहीं पसंद इज बिकॉज कॉमेडी इम्परफेक्शंस का जॉनर है। यहाँ कैरेक्टर्स की छोटी से छोटी खामियां उन्हें और मजाकिया बना सकती हैं। नाउ मैं ये नहीं कह रहा कि अपर क्लास या फिर वेल टू डू कैरेक्टर्स पे बेस्ड कॉमेडीज वर्क नहीं करती। हाउसफुल की पहली दो पार्ट्स, गुड न्यूज काफी अच्छी कॉमेडीज थी। इट्स जस्ट दैट लुक्स के थ्रू सीन के माहौल में जो एडिशन प्रियदर्शन करते थे वो शायद आज के फिल्म मेकर्स भूल गए। एक्चुअली इस पॉइंट के दो सबसे बड़े एग्जांपल होंगे गरम मसाला और दे तनातन। नाउ प्रियदर्शन ऐसे डायरेक्टर हैं जो भले ही कॉमेडीज बनाते हो बट फिल्म के लुक और कलर्स का ध्यान भी जरूर से रखते हैं। लाइक अगर मेरा हेरा फेरी का वीडियो याद हो तो उसमें दुनिया के सबसे घटिया माइक पे मैंने बताया था कि प्रियदर्शन ने कैसे चुप चुप के में ये इंश्योर किया था कि फिल्म का एक व्हाइटिश टोन रहे। सही में यार, इतना व्हाइट ऑब्सेशन तो विद्या भारती को नहीं था जितना चुप चुप के में प्रियदर्शन को था। वैसे प्रियदर्शन और नीरज वोरा की ब्रिलियंस समझने के लिए तुम लोग हेरा फेरी वाला वीडियो भी जरूर देखना। दे दनादन और गरम मसाला की बात करें तो इन फिल्मों में तुम लोग को ऐसा नहीं लगता कि कैरेक्टर्स बड़े स्वेटी से दिखते हैं? लाइक उसी साल आई इन एक्टर्स की और फिल्मों को देखो तो थोड़ा डिफरेंस नहीं लग रहा? ऐसा लगता है मानो इन फिल्मों में कैरेक्टर्स को एकदम फ्रस्ट्रेटेड और थका हुआ दिखाने के लिए उनके चेहरे के कलर टोन में ग्लॉसअप अवॉइड किया गया है, जिससे ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन सीन्स में सबकॉन्शियसली और टेंशन ऐड होती है। एंड द रीजन आई फील ये कोइंसिडेंस होने के बजाय एक कैलकुलेटेड डिसीजन था इज बिकॉज ये दोनों फिल्में प्रियदर्शन की फिल्मोग्राफी में स्टैंड आउट्स हैं इन टर्म्स ऑफ सेटिंग। मतलब दोनों ही फिल्मों में कॉमेडी की वन ऑफ द रूट्स सारे कैरेक्टर्स का एक सेटिंग, एक लोकेशन में एक दूसरे से इंटरेक्ट करना है। एंड कहीं ना कहीं इट इज ऑल्सो द फैक्ट कि ये सब चीजें कितने रियल टाइम में हो रही हैं। दे दनादन में तो आधी मूवी अक्षय कुमार कबर्ड में ही फंसे होते हैं, और गरम मसाला में तो पूछो मत कितनी लंबी कॉन्वर्सेशन सिर्फ लड़कियों को कंफ्यूज करने में निकल जाती हैं। सो माय पॉइंट इज की कॉन्वर्सेशन सीन्स में ऑनगोइंग टेंशन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए प्रियदर्शन एक्टर्स के लुक्स में ग्लॉसीनेस नहीं रखते, एंड एट द सेम टाइम गरम मसाला और दे दनादन जैसे सब्जेक्ट्स में इसी रॉनेस का मैग्नीट्यूड और बढ़ा देते हैं। इसके अलावा प्रियदर्शन का कैरेक्टर लुक्स के टूवर्ड्स एक अनोखा टेस्ट समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस परेश रावल पे थोड़ी नजर डाल लो। मतलब प्रियदर्शन की फिल्मों में उनके लुक में कुछ ना कुछ ऐसा ऐड किया जाता है जिससे सिर्फ एक नजर डालने पर ही कैरेक्टर की एक कॉमिकल वाइब आए, चाहे वो चश्मा ऐड करके अचीव हो, हेयर स्टाइल में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके या फिर आड़े टेढ़े दांत लगा के। नाउ द रीजन ये माइन्यूट चीज भी मैं मेंशन कर रहा हूँ इज बिकॉज आज के टाइम कॉमेडी फिल्म्स में इवन इस तरह का छोटा मोटा लुक एक्सपेरिमेंट भी नहीं देखने को मिलता, अगर होता भी है तो मोस्टली बहुत ही ग्लैमराइज्ड एंगल से होता है। इसे समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस रोहित शेट्टी की फिल्मों में संजय मिश्रा को देख लो। आई गेस आखिरी बार लुक्स पे ऐसा ध्यान मैंने डेली बेली में ही देखा होगा, या फिर आखिरी पास्ता के केस में, या इवन अदिति तुम कब जाओगे में, अरे अपने राजू भैया की फिल्मों में भी। तो एक्चुअली वो तो अपने कैरेक्टर्स के लुक्स में,
अच्छा छोड़ो, उनसे रिलेटेड बातें मैंने डायरेक्टर्स प्लेलिस्ट में बहुत कर ली हैं। वैसे प्रियदर्शन के कॉन्वर्सेशन सीन्स में एक और चीज काफी नोटिसेबल है, बॉडी मूवमेंट्स, या टेक्निकल भाषा में कहें तो ब्लॉकिंग। अभी जो मैं कह रहा था कि लव रंजन और प्रियदर्शन की फिल्मों में कॉमन फास्ट पेस डायलॉग डिलीवरी होने के बावजूद दोनों के सीन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट लगते हैं, उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन यही बॉडी मूवमेंट और ब्लॉकिंग है। फॉर एग्जाम्पल, हलचल और तू झूठी मैं मकार के इन दोनों सीन्स को कंपेयर करो। देख, तेरी माँ तो मर चुकी है ना, दोबारा तो मरने वाली है नहीं। अरे कौन सा सैटेलाइट पे बैठ के देख रही है, क्या हो रहा है यार? उसका गुस्सा उतना बढ़ेगा, उसे उतना ज्यादा हर्ट फील होगा और फिर होगा ब्रेकअप। उसको बोल अपनी मरी हुई माँ की कसम खा। हाँ। अरे माँ होती काहे के लिए यार, मरने के बाद कसम खाने के लिए? सच्ची झूठ बोल के पकड़वाना नहीं है, बल्कि झूठ बोल के सच में छुपाना है, फिर दो और झूठों में छुपाना है, फिर सच में छुपा के उस सच में झूठ की मिलावट का हल्का सा हिंट देना। इससे पहले कि वो तुझे बुला ले, तू उसको बुला ले। घर बार छोड़ के आएगी, उसका पूरा खानदान तेरे सामने घुटने टिकेगा यार। बोल क्या बोलता है? हाँ, क्योंकि लड़कियों की झूठ की एक्सपेक्टेशन तो है ही हमसे, वो माफ कर देती है। नाउ आई नो कि ये परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, बट स्टिल तुम लोग समझ गए होगे कि डिस्पाइट फास्ट डायलॉग्स दोनों एक्टर्स के मोमेंट्स में कितना अंतर था। इनफैक्ट इससे ये भी समझ आता है कि लव रंजन को बॉडी मूवमेंट्स पे उतना ध्यान नहीं देना था, इसीलिए उन्होंने क्लोजअप चुना। वहीं प्रियदर्शन इस मोमेंट की तरह ही ज्यादातर कॉन्वर्सेशन सीन्स वाइड या मीडियम वाइड शॉट में ही रहते हैं, ताकि बॉडी मूवमेंट से आ रहा एक्सप्रेशन भी हाईलाइट हो। सिमिलरली इन दोनों सीन्स में भी देखो कि एक दोस्त का दूसरे दोस्त पे फास्ट डिलीवरी के साथ फ्रस्ट्रेशन निकालना कितना अलग लगता है। अरे तुम लोग प्यार करो, शादी करो, या किसी खाई में जाकर कूद जाओ यार, लेकिन तुम लोग के लिए मैं क्यों किसी भतीजे के साथ बार बार मार खाता फिरूं यार? तुझे अकल नहीं है? 10 काम है मुझे, बहुत भाई का फंक्शन है, अम्माने का फार्म पे करना, तो एक तरफ मैं किंची को संभालू, दूसरी तरफ मैं डेकोरेशन केटरिंग और ट्रांसपोर्ट के इंतजाम भी संभाल रहा हूँ। और तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं गिर गया, वरना है ना तू पकड़ा जाता। और अगर तू पकड़ा जाता ना, मैं बाप बन रहा हूँ, वो माँ बन रही है। वो माँ कहाँ से है? वो खुद को नहीं संभाल सकती, चप्पल खो देती है वो। अरे पहले जाके अपने बाप को देख, घर में घोड़ी, गधी, बिल्ली, कुत्ती सब अंदर घुस सकती है। और ये सब तेरे निकम्मेपन की वजह से हो रहा है। अगर तू मेरा ब्रेकअप कराने में कामयाब हो गया तो मैं बाप ना बन रहा होता। बट यू नो वॉट, अगर ऐसे पॉइंट्स को समझाने की बात आती है ना, तो एक अच्छी मूवी से ज्यादा एक बेकार मूवी काम आती है। मतलब एक अच्छी मूवी में ऑब्वियसली डायरेक्टर की टेक्निक्स उतनी विजिबल नहीं होंगी जितनी उसकी एक बेकार फिल्म में होंगी, क्योंकि तुम एज ऑडियंस उस अच्छी फिल्म के एक्सपीरियंस में इतना घुले हुए होगे कि उस एक्सपीरियंस को बनाने की टेक्निक्स तुम्हारे दिमाग में उतनी हाईलाइट नहीं होंगी। वहीं एक बेकार फिल्म में क्योंकि तुम इतना एंगेज ही नहीं रहोगे, इसलिए डायरेक्टर की टेक्निक्स साफ साफ नजर आएंगी। एंड दैट्स द रीजन हमें ये मोमेंट वाला ज्ञान प्रियदर्शन के एक अंडरवेलमिंग अटेम्प्ट को देख के और क्लियर होगा, विच इज नो डाउट हंगामा 2। फिल्म का जो ये बच्ची वाला सीन है, इसमें प्रियदर्शन का टोकन स्टाइल क्लियरली विजिबल है। इसने मुझे बताया था कि इसका बड़ा भाई अमन कलकत्ता में काम करता है। जब मैं वहाँ गई तो पता चला उसका तो धंधा ही चौपट हो गया। बाकी फिल्मों की तरह यहाँ भी एक कियोटिक माहौल बनाने की कोशिश हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। देखो वाणी, बेकार का बखेड़ा मत खड़ा करो। तुम्हें इसका नाम पता है लेकिन तुम इसे नहीं जानते, कमाल क्या। हाँ हाँ, मुझे नाम पता है ना, हम दोनों कॉलेज में थे, मैं भी कॉलेज में था, ये भी कॉलेज में थी, हम दोनों साथ में कॉलेज में थे, इसलिए सिर्फ इसका नाम। तो तुमने पहले क्यों बोला कि तुम इसे नहीं जानते? तारी, इसकी सवाल आ कि हम दोनों साथ में पढ़ते थे, मेरा इससे और कोई रिश्ता नहीं, मैं और कुछ नहीं जानता। और ये प्राणी मेरा नहीं है, माँ कसम। बस मिजान जाफरी के डिलीवरी के टाइम बॉडी मोमेंट्स देखो जरा। तब मैं कलकत्ता चली गई। अरे कलकत्ता क्यों गई थी तू? मैं तेरी माँ का कसम रहता था क्या? तब जाके मैं यहाँ आई हूँ। अरे लड़कियां के भागते रहे, जा चाह बाहर आ, हमने कुछ समय साथ में बिताया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी का भी बच्चा उठाओ और मेरे पास रखो। अरे डैडी, आप इन सब लफों में मत पड़ो, ये यहाँ किसी गलत इरादे से आई है। नंदन जी, इन दोनों को ना घर से बाहर निकालो और मोतीलाल जी को इनके पीछे छोड़ दो। वो कौन है? हमारा कुत्ता। साला आजकल कोई भी अक्षय कुमार बनने की कोशिश करता है। नहीं तो यही रैपिड मोमेंट्स मैं समझाना चाह रहा था, जो प्रियदर्शन की फिल्मों में ओमनीप्रेजेंट रहकर सीन की कियोटिक वैल्यू काफी हद तक बढ़ाते हैं। अब बॉडी मूवमेंट्स की बात आई गई है, तो जरा ये भी गौर करो कि कैसे इन सीन्स में अपार्ट फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन साइमल्टेनियसली भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। जैसे यहाँ अक्षय कुमार का डायलॉग नहीं है, फिर भी साइमल्टेनियसली साइड में बुके छूने पर उनको लप्पड़ पड़ते हुए दिखाया है। कंपनी को जो इनाम 1 करोड़ मिलेगा उसमें से 10 लाख तुम्हारे लिए। या फिर यहाँ जो ढोल में गोटी का मारू से कप छीनना दिखाया गया है। और हमने तेरी पहचान उसे कराई। हाँ हाँ, बोल दूंगा यार। नाउ ऐसे एडिशन से दो चीजें होती हैं, पहला कि ऑफ कोर्स मूवमेंट की कियोटिक वैल्यू बढ़ती है, और दूसरा कि कैरेक्टर और जिंदा लगता है, सीन में इन्वॉल्व लगता है, एंड ओवरऑल जो सीन होता है वो स्टेज्ड या रिहर्स नहीं लगता। अरे मतलब बहुत बार मूवीज में जब ग्रुप में लोग खड़े होते हैं तो उनमें से कोई एक आध डायलॉग बोलेंगे और बाकी उन्हें ताकते रहेंगे, जिसकी वजह से चीजें बड़ी स्टेज्ड और परफॉर्म लगेंगी। नाउ ऐसे सीन्स भी वर्क कर ही जाते हैं, बट द थिंग इज जो प्रियदर्शन के सीन्स का नेचुरल फील है ना, यानी मेरे रियलिस्टिकली एग्जैजरेट वाले कॉन्सेप्ट में जो रियलिस्टिक वाला पार्ट है, वो नहीं अचीव कर पाते।
अरे अपनी रियल जिंदगी की ग्रुप कॉन्वर्सेशंस के बारे में सोचो, क्या वो ऐसी होती हैं जहां सब एक एक करके अपनी बात रखते हैं, या फिर ऐसी जहां हर कोई कुछ ना कुछ किए जा रहा है। इनफैक्ट ये स्टेज्ड या रिहर्स्ड वाली फीलिंग एक एक करके बोलने से ज्यादा वियर्ड ब्लॉकिंग की वजह से भी आती है। जैसे यहाँ हाउसफुल 2 में देखो कैसे एक लाइन में सब लोग खड़े हैं, या फिर यहाँ टोटल धमाल में, और हमशक्ल्स का तो पूछो मत। नाउ ये भी एक तरीका है चीजें करने का, बट अगर ब्लॉकिंग शब्द का सही मायने में क्रिएटिव यूज सीखना है तो कोई इनसे सीखे, बट इसके लिए आई गेस हमें एक मॉस्को टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी, दैट इज सिनेमाटोग्राफी। आई मीन इट्स प्रीटी ऑब्वियस यार, एक्टर्स की पोजीशन और मोमेंट कैमरा के रिस्पेक्ट में ही तो सोची जाती है, तभी तो एक्टिंग करते दौरान एक्टर्स को जमीन में मौजूद मार्किंग्स का भी ध्यान रखना होता है कि कहीं फ्लो में फ्रेम के बाहर ही ना निकल जाए। और शुरू में तो बहुत फनी होता था, बोल रहे कि मार्क पे जाके खड़े हो जाओ और डायलॉग बोलो, तो मैं मार्क पे जा रहा हूँ नीचे देखता हुआ, जिन्हें नहीं पता है मार्क कितना सा टेप होता है। मैं बस वो जमीन पे लगा हुआ है, कैमरा उसके हिसाब से लगा हुआ है, और मैं जा रहा हूँ, मैंने मार्क ढूंढ रहा हूँ, तो लव सर कह रहे ऊपर देखता हुआ, मैंने कहा फिर मार्क कैसे देखूंगा ऊपर से। सो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि इट्स बेटर अगर हम प्रियदर्शन की ब्लॉकिंग को सिनेमाटोग्राफी के साथ समझें। ना उनकी कैमरा के अराउंड चॉइसेस अगर तुम लोग देखो स्पेशली कॉन्वर्सेशन सीन्स में, तो वो चीजों का यूजली एक वाइड फ्रेम प्रेफर करते हैं विद लिटिल और नो मूवमेंट। मतलब हम लोग स्टोरी में ऑलरेडी इन्वॉल्व होते ही हैं, कैरेक्टर्स की परेशानियां और टेंशन को उनके नजरिए से फील भी कर रहे होते हैं, बट समहाउ ऐसी बिना मूवमेंट वाली वाइड फ्रेमिंग सबकॉन्शियसली थोड़े मोमेंट्स के लिए सही पर ऑब्जेक्टिविटी बढ़ा देती है। एंड पता नहीं साला हमारे ब्रेन की वायरिंग कैसी है, पर इंसान का ऐसा फास्ट मोमेंट चाहे बोलते समय हो या लड़ाई के समय, एक वाइड फ्रेम में कंपैरेटिवली ज्यादा फनी लगता है। आई मीन खुद ही सोचो, किसी फिल्म में दो लोगों की लड़ाई क्लोजली यानी सब्जेक्टिवली देखना ज्यादा फनी लगेगा, या फिर वैसी ही लड़ाई इंटरनेट पर मिले किसी रैंडम से मीम में देखना ज्यादा फनी लगेगा, जहां तुम उस चीज को सब्जेक्टिविटी नहीं पूरी ऑब्जेक्टिविटी से देख रहे हो। मतलब बेसिकली तुम इन्हें सिर्फ बेवकूफी कर रहे कुछ गधों के तौर पर एंजॉय करते हो। यस, ऐसी फ्रेमिंग देर तक रहने पर इसी ऑब्जेक्टिविटी के बढ़ने की मैं बात कर रहा था। अब ऐसी कैमरा चॉइसेस का फायदा प्रियदर्शन ब्लॉकिंग के थ्रू कैसे उठाते हैं ये देखो। ये कुछ महीने पहले वायरल हो रहा मीम टेम्पलेट याद है? अब ये टेम्पलेट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था ये तो बताने की जरूरत नहीं है। एंड बाय द वे, दिस इज नॉट द ओनली टाइम प्रियदर्शन ने इस फ्रेमिंग के साथ ऐसी ब्लॉकिंग यूज की हो। उनकी लगभग हर फिल्म में तुम्हें स्टैटिक कैमरा के साथ ऐसी ब्लॉकिंग मिल जाएगी जहाँ फोरग्राउंड में कोई एक चीज चल रही होगी और बैकग्राउंड में साइमल्टेनियसली दूसरी चीज। भाई मीमर लोग, साल भर के टेम्पलेट्स दे दिए मैंने, खुश रहो। यहाँ तो फिर भी अलग अलग सिचुएशंस के लिए ब्लॉकिंग यूज हो रही थी। कितनी बार तो प्रियदर्शन ने इस बेहोशी वाली एग्जैक्ट सिचुएशन के लिए सेम ब्लॉकिंग यूज की है। इसके अलावा और भी कई एग्जांपल्स हैं जहाँ प्रियदर्शन साहब ने सिर्फ ब्लॉकिंग और कैमरा मूवमेंट को इस्तेमाल करके सीन को एक ह्यूमरस टच दिया है। जैसे अगर ये वाला मूवमेंट, ओहो लगता है वीडियो समाप्ति की घोषणा करनी पड़ेगी। टू बी ऑनेस्ट, मैं इससे आगे जाने वाला था, बट फिर आदि पुरुष के दूसरे वीडियो की रीच याद आ गई। सही में यार, दूसरा वीडियो तो पहले वीडियो से कहीं ज्यादा डिटेल था, फिर भी आधी रीच मिली, जिसका ओनली रीजन आई कैन थिंक ऑफ इज टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे कंटेंट में तो कमी नहीं होगी ना। एनीवेज, प्रियदर्शन से रिलेटेड अगले वीडियो में हम यही कैमरा मोमेंट और ब्लॉकिंग से शुरू करके एडिटिंग और डायलॉग से होते हुए फाइनली उनकी फिल्मों के आइकॉनिक सीन्स ब्रेक डाउन करेंगे। तब तक के लिए इन शॉर्ट्स की लहर में भी मेरे लॉयल लॉन्ग वीडियो व्यूअर्स को डेडिकेटेड एक कविता सुनो। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होता है।